डर का पता नहीं पर खौफ बिठा दिया। हैदराबाद में सच में दिल्ली में आके दिल्ली के खिलाफ पूरा माहौल उठा दिया। देखो भाई, एक तो हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली को सपोर्ट कैसे करें? जब करते हैं ये ऐसे खेल जाती है कि शर्म से कहना पड़ता है कि ये दिल्ली को हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन यार देखो, दिल्ली ने कुछ अच्छे क्रिकेट खेले और इस मैच में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके के वापसी किया था, मुझे लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं यू टर्न ले लिया है दिल्ली ने और दिल्ली की रथ जो विजय रथ चल रही थी वो चलेगी। अच्छा लेकिन हैदराबाद के पास अलग ही अलग विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ सेंसिबल प्लेयर भी छुपा रखे। ये काव्या ने ना बहुत तगड़ी टीम बनाई है भाई। हम लोग कह देते हैं वुमेन, कैसा टीम सिलेक्शन है? अच्छा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहां से सीखना पड़ेगा भाई, ऐसा है एक टीम तीन तीन बार रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पे आ गई तो कुछ दमखम तो अलग लेवल का लेके आई है ना भाई। आप देखो, एमआई के खिलाफ रिकॉर्ड बना दिया, आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड बना दिया और कल तो आरसीबी के खिलाफ वाला रिकॉर्ड भी टूटने वाला था भाई। 300 रन जो हम कह रहे थे T20 में वो मुमकिन नजर आ रहा था और पहले 10 ओवर के हिसाब से जो बना रहे थे ना वो सिनेरियो, वो जा रहा था कि करीब 400 रन बनने वाले हैं भाई T20 मैच में। मतलब अलग ही रिकॉर्ड बना है। फास्टेस्ट 50 बन गई हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड का, फास्टेस्ट 100 होते होते रहा है क्योंकि हैदराबाद की टीम ना आज के सिचुएशन के हिसाब से हमको लगा कि एक कंप्लीट पैकेज वाली टीम है। पहले हेड और अभिषेक शर्मा आके तोड़ देते हैं, फिर एडन माकरम और क्लासन बीच में आके फोड़ देते हैं और हमको लगा जहां पे वो चारों विकेट आउट हो गए, क्लासन और माकरम का बल्ला बिल्कुल नहीं चला, कुलदीप यादव ने वापसी करा दी दिल्ली की और हमको लगा कि ये है गेम चेंजिंग, कि दिल्ली मुंबई और आरसीबी की तरह यहां ठुकने नहीं आई है, ये बताएगी कि हमको फाइट बैक करना जानते हैं और दिल्ली में आए हो तो यहाँ के शेर और किंग हम ही हैं। और वहां वापसी कर चुकी थी दिल्ली, लेकिन फिर आ गए नीतीश कुमार रेड्डी और सहवाज अहमद। ये एक आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया जिसके सामने दिल्ली के बॉलर समझ नहीं पाए। बीच में थोड़ा ऐसा आया कि इस तरफ झुक गया था पलरा, जो स्कोर लग रहा था कि 300 प्लस जा रही है वहां पे दिल्ली चाहती तो उसे 200-225 के बीच में रोक सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और खासकर सहवाज अहमद, बंदा बहुत तगड़ा खेलता भाई, आप देख लिया हमने कि जिस तरीके से उन्होंने गेम को फिनिश किया ना, जहां फंस चुकी थी हैदराबाद की बैटिंग, एक्सपोज हो गया था कहीं ना कहीं एक बीच में आके, वहां से वापसी करवाया और पूरा अपने ही अंदाज में हैदराबाद ने कहीं ना कहीं रिकवरी करते हुए फिनिश किया पहला इनिंग, 266 रन बना दिए। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। और इस मैच में बहुत ज्यादा ही रिकॉर्ड बने और कुछ रिकॉर्ड बनते बनते रह गए। एक तो हैदराबाद की तरफ से फास्टेस्ट 50 मार दिया ट्रेविस हेड ने, ऊपर से इतने छक्के की बौछार हुए वो अलग, दूसरा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट 100 वाला पार्टनरशिप बन गया ये, ऊपर से पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर बन गया ये, ऊपर से ये फास्टेस्ट 50 भी बनने वाला था अभिषेक शर्मा का, वो तो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, नहीं तो वो भी 50 वाला बन जाता। और भाई गुरु हो जब युवराज सिंह तो चेला तो पेलेगा ही ना सामने कोई भी बॉलर हो, बहुत मारा क्योंकि अंदाज तो कुछ ऐसा ही है। और युवराज सिंह का फास्टेस्ट 50 याद है सबको या भूल गए? वो स्टूड बोर्ड का 6 छक्का, तो यही गुरु हैं अभिषेक शर्मा जी के, तो वही अंदाज दिख रहा है कहीं ना कहीं खेलने में भी। और दोनों ही ओपनर आके हर बार तोड़ के जा रहा है और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम आप पास हो जा रहे हो, ये कर दे रहे हो, तो ये भाई अलग ही टैलेंट है, ये तुक्का नहीं है। हम कह देते ना बल्ला घुमाया मार दिया पावर प्ले में लग जाते हैं रन, पर वो तुक्का होता है कि आप एक मैच में मार देते हो। दोनों ही ओपनर आके हर मैच में ठोक के जा रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट हो रहा है और ये तगड़े फॉर्म में है दोनों प्लेयर, और ये जिस तरीके से खेलते हैं ना खत्म, पावर प्ले में ही आधा मैच निकाल के बैठ जाते हैं। हैदराबाद की टीम गजब का क्रिकेट खेल रही है भाई, एकदम इंप्रेसिव। दिल्ली से हूं पर दिल्ली के हारने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इंटरटेनमेंट की तो बौछार कर दी। जिस दिन हैदराबाद का मैच है टीवी के आगे रुक जाता है। और ऋषभ पंत ने टाइम आउट के बाद वापसी की, कुलदीप यादव अक्षर पटेल स्पिन के जाल में कहीं ना कहीं हैदराबाद को फंसा तो लिया, कुलदीप यादव 4 विकेट भी निकाले लेकिन वो कम रह गए। फिर भी लास्ट में आ गए सहवाज अहमद और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक तगड़ा फिनिश कर दिया 266 रन। अब इसको चेज करना था तो दिल्ली को एक विस्फोटक शुरुआत चाहिए थी, और दिल्ली की शुरुआत तो तुम्हें पता ही है, ओपनर तो इनके फॉर्म में ही नहीं है। लेकिन पृथ्वी शॉ का कल इंटेंट दिखा,
चार बॉल पे चार चौके मारे और मुझे लगा कि ये मैच तो कुछ अलग होने वाला है भाई, क्योंकि हर बॉल को कनेक्ट कर रहा था, बढ़िया मार रहा था भाई। लेकिन फिर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पे वो लूज शॉट और आउट हो गए। और वार्नर कब आए कब गए पता नहीं, मुझे तो वार्नर ना क्रिकेटर से ज्यादा टिकटॉकिया ज्यादा लगने लगा है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, ये जितने भी बड़े प्लेयर है ना ऑस्ट्रेलिया के, जो एक्सपीरियंस वाले मैक्सवेल वार्नर, ये लोग सिर्फ देश के लिए खेलते हैं। इनको पैसा ये फ्री फंड में चाहिए, हमको पैसा चाहिए। एक तो भाई ये फ्री का पैसा तुमको हजम नहीं होगा भाई, थोड़ा खेल लो, बल्ला वल्ला चलाओ। बुरा लगता है ना, दिल्ली के भी फैन हैं, दिल्ली वाले भी हैं, कभी उम्मीद करते हैं तुमको एकदम महारथी की तरह पेश करके बैठे हुए हैं और तुम यहाँ पे ऐसे आता है कब जाता है पता नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब इस रन चेज में वार्नर का बल्ला चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वार्नर जैसा प्लेयर अगर खेल गया तो मैच निकाल सकता था। सही बात है। लेकिन जिम्मेदारी उठाई फ्रेजर ने और पोरल ने। फ्रेजर खासकर इंप्रेस कर दिया बंदे ने, क्या खेला है, तगड़ा भाई, तगड़ा प्लेयर है। जो छक्के और चौके मारे उसने, ट्रेविस हेड से भी तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म किया। 361 के स्ट्राइक रेट से 65 रन मारे, 7 छक्के थे उसमें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वो थोड़ा और खेल जाता तो मुझे लगता है दिल्ली कहीं ना कहीं मैच निकाल लेती। कंपेरिजन में भी दिल्ली कहीं ना कहीं आगे हो गई थी। 2 विकेट के बावजूद जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाया फ्रेजर ने और पोरेल ने, वहां से गेम चेंज न होता हुआ नजर आया मुझे। क्योंकि उसके बाद आपके पास एक से एक प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पास प्लेयर नहीं था। ऋषभ पंत है, स्टब्स है, स्टब्स तगड़े फॉर्म में था, तो हमें लग रहा था कि गेम ऑन है भाई, यहां से तगड़ा जाएगा। पर फ्रेजर आउट हुए, पोरेल आउट हुए, उसके बाद मैच में कुछ नहीं बचा, खत्म। ऋषभ पंत ने थोड़े रन बनाए पर कोई साथ देने वाला नहीं था और मैच दिल्ली 67 रनों से हार गई। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड चुने गए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पावर प्ले में जैसा फोड़ा मैच एक तरफा कर गया था, तो वो डिजर्व करता था। बाकी हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग करी नटराजन ने, 4 ओवर में 1 मेडन, 19 रन और 4 विकेट। और खासकर वो 19वां ओवर भाई, 19वां ओवर कोई आके इस पिच पे बॉलिंग कर रहा है, मेडन डाल रहा है और 3 विकेट निकाल रहा है, तो सोच सकते हो कितने तगड़े लेवल का कॉन्फिडेंस और क्या बेहतरीन बॉलिंग करी होगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नटराजन भी डिजर्व करता था प्लेयर ऑफ द मैच, पर हेड की बल्लेबाजी के आगे मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि एक तरफा मुकाबला वो पावर प्ले में ही कर गए ना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बाकी कल बात कर लेते हैं मैच की। कल है संडे डबल धमाका, लेकिन हम बात करेंगे आरसीबी वर्सेस केकेआर। कोलकाता में ये मैच है, केकेआर बहुत तगड़े फॉर्म में है, वहीं आरसीबी आरसीबीएंस एक तरफा उन्हें उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आप तो जीत जाओ। और मुझे लग रहा है कि आरसीबी कल हल्ला बोल करेगी और दोबारा से फाइटिंग स्पिरिट दिखाएगी, क्योंकि अब रिवेंज टाइम है, अब रिवेंज टाइम आ गया। और यहां से आरसीबी के लिए कुछ अलग होने वाला है कल, और कल पूरा सिनेरियो बदलता हुआ नजर आएगा। और ये जो टेबल है, जो आपका पॉइंट्स टेबल, वहां पे भी उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो आरसीबीएन है, आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, बाकी आप किसे सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।